अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ शबाना और शबाना की किचन में आपका स्वागत है। और आज हम बनाने जा रहे हैं शादियों वाला कोरमा। चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा 1 किलो गोश्त है। ये हमारे कुछ खड़े गरम मसाले हैं, साबुत गरम मसाले, जिसमें 2 बड़ी इलायची हैं, 4 छोटी इलायची हैं, 4 से 5 लौंग हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं और 7 से 8 काली मिर्च हैं। ये हमारा साबुत ज़ीरा है 1 चम्मच। ये हमारी जायफल है, जो कि हम थोड़ा क्रश करके और थोड़ा इसे पीस के बाद में डालेंगे। 1 चम्मच खसखस है। नमक अपने स्वाद के अनुसार है। 2 चम्मच लहसुन, 1 चम्मच अदरक है जिसका हमने पेस्ट बना लिया है। 2 चम्मच धनिया है, उसे भी हम बाद में डालेंगे। और ये 1/2 चम्मच लाल मिर्च है। 1 कटोरी दही है। 2 बड़े चम्मच गोला है, जो कि हमने पीस के रखा हुआ है। और ये है 2 चम्मच पीली मिर्च। और ये है मगज़, जो कि हमने 2 चम्मच निकाल लिए हैं, इन्हें भी हम पीस के डालेंगे। और ये हमारी 2 बड़ी प्याज हैं, जिन्हें हमने काट लिया है। और ये हमारा ऑयल है। चलिए अब हम ऑयल डालते हैं। मैं नाप के बताती हूँ, ये 100 ग्राम की है, इसे हम नाप के डालेंगे। ये 200 ग्राम ऑयल। अब इसे गरम होने देंगे और इसमें फिर हम अपनी प्याज तलेंगे। लीजिए, अब हम अपनी इसमें प्याज डालेंगे। इसे हम सुनहरा होने तक भूनेंगे। जब ये सुनहरी हो जाएगी तो इसे हम बाहर निकाल लेंगे। और ये ध्यान रखें, इसे ज़्यादा लाल ना होने दें। अगर ये ज़्यादा लाल हो गई तो इस जब हम इसे पीस के डालते हैं तो इसका कोरमे के अंदर कड़वापन आने लगता है। तो इसे हम बस सिर्फ सुनहरा होने तक ही भूनेंगे। हमारी प्याज हो चुकी है, चलिए इसे अब हम निकाल लेते हैं। चलिए इसमें हम अपना गोश्त डालते हैं। अब इसके अंदर हम अपने ये जो हमने साबुत मसाले निकाले थे ये डाल देते हैं। लेकिन ये जायफल हमने पहले भी बताया था, ये हम एंड में डाल देंगे। नमक, पीली मिर्च, लाल मिर्च, लहसुन अदरक का पेस्ट, और ये 1 कटोरी दही। अब इसमें हम पानी डाल के और कुकर को सीटी लगने के लिए छोड़ देते हैं। कम से कम इसमें 5 से 6 सीटी आने देंगे और उसके बाद फिर इसे हम खोलेंगे। तो चलिए इसमें हम अपना पानी डालते हैं। ये हम इसमें पानी डालते हैं। चलिए इसे अब हम बंद कर देते हैं, सीटी लगने देते हैं इसे। चलिए अब हम अपने कुकर की सीटी निकाल देते हैं और इसे खोल के देख लेते हैं। अब हम इसे देख लेते हैं कि ये हमारा गोश्त गला है या नहीं गला है। हमारा गोश्त गल चुका है। ये इसमें हम अपना धनिया ऐड करते हैं। इसमें धनिया ऐड करा था, अब इसे हम खोल के पकने देंगे इसे ज़रा, अब हम ताकि हमारा मसाला अच्छे से हो जाए। और अब हम इसके अंदर अपनी ये खसखस है हमारे, ये हमारे मगज़ हैं। अब ये हम दोनों चीज़ मिक्सी में इन्हें पीस लेंगे
और ये हमारा जो जीरा है इसे भी हम पीस लेंगे और अपने प्याज को भी हाथ से अच्छे से अपने प्याज को क्रश कर देंगे हाथ से। तो चलिए हम अपना ये पीस लेते हैं। अब हम इसके अंदर अपनी खसखस और अपने मगज ये दोनों पीस लेते हैं। हमारी मगज और हमारे जो खसखस थी वो पिस गई है, वो हम इसके अंदर डालेंगे। और इसके अंदर हम अपना जो गोले का बुरादा था, हमारा गोला पीस के रखा हुआ था, वो ऐड करेंगे। और हमने जो प्याज तल ली थी तल के, उसे भी हमने पीस लिया। आप हाथ से भी क्रश कर सकते हो इसे और मिक्सी में भी पीस सकते हो। मैंने ये मिक्सी में पीसी है और हम इसे भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अपने घर के सामान से अपने घर के अंदर शादियों जैसा बढ़िया चटकारेदार कोरमा बनाएं। अब देखिए इसका कलर कितना अच्छा है। और इसे हम बस इसका मसाला हम भुनने देंगे इसे, और इसे हम थोड़ा सा ढक देंगे, तब तक इसका तेल इसके ऊपर आ जाएगा। हमारा कोरमा भुन चुका है, अब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। वो तो आप अपने अकॉर्डिंग, आपको कितना पतला चाहिए कितना गाढ़ा चाहिए उसके हिसाब से आप पानी डाल सकते हो। और अब हम इसे सीटी लगा देंगे इसमें। एक हमने जो साबुत जीरा लिया था उसे हमने पीस लिया है, और जो जायफल हमने ली थी उसे हम थोड़ा सा इसमें क्रश कर लेंगे। और हमारा कोरमा बनके तैयार हो गया है। अब ये हम खुशबू के लिए ऊपर डालेंगे। हम अपना कुकर खोल लेते हैं और हमारा कोरमा बनके तैयार है। अब इसके अंदर जो हमने जायफल ली थी और ज़ीरा है वो हम इसके अंदर डाल देंगे और इसे थोड़ी देर के लिए ढक देंगे ताकि इसकी खुशबू इसके अंदर मिक्स हो जाए, फिर इसे हम सर्व करेंगे। लीजिए हमारा खुशबूदार जायकेदार कोरमा दावतों वाला तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।